नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो का टॉपिक है हाइपो कैल्शिमिया को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सीरम कैल्शियम दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है प्रोटीन बाउंड फॉर्म जिसमें प्रोटीन मोस्टली अलमिन होता है और आयोनिक फॉर्म हाइपो में हाइपोप्रोटीनिया के अपसेंस में टोटल सीरम कैल्शियम 8.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 2.2 मिलीमोल पर लीटर से कम और आयोनिक कैल्शियम 4.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 1.17 मिलीमोल पर लीटर से कम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को समझते हैं कैल्शियम लेवल फॉल होने पे पैराथायर ग्लैंड से पैराथायर हार्मोन रिलीज होता है यह हार्मोन इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बोन से कैल्शियम रिजॉर्प्शन बढ़ाता है और किडनी से कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है इन सब प्रोसेसेस से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाती है जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाती है तब थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है यह हार्मोन इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्बन कम करता है बोन से कैल्शियम रिजॉर्ब्शन कम करता है और किडनी से कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाता है इन सब प्रोसेसेस से कैल्शियम लेवल कम हो जाती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में और एक प्लेयर होता है विटामिन डी जैसा हमने अभी देखा पैराथेराइड हार्मोन सिर्फ कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए काम करता है और कैल्सिटोनिन सिर्फ कैल्शियम लेवल कम करने के लिए काम करता है विटामिन डी का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी से कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है और इसी कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कराता है सो हाइपो कैल्शिमिया इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्पन कम होने से हो सकता है इन्फ्लैमेटरी बॉबल डिजीज सीलियक डिजीज इंटेस्टाइनल रिजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन डिजीजेज में एब्जॉर्पन कम होने से हाइपो कैलशमिया हो सकता है एक्यूट किडनी डिजीज क्रोनिक रिनल फेल्यूअर और वन अल्फा हाइड्रोक्सीज डिफिशियंसी ऐसी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है इंटरेस्टिंगली इन डिसऑर्डर्स में हाइपो कैल्शेमिया किडनीज से कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ने से नहीं होता बल्कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में किडनीज अनेबल होती है इसलिए होता है किडनी से कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ के हाइपोकैल्शेमिया लूप डायोरेटिक्स ऑस्मोटिक डायोरिस और हाइपोमैग्नीशमिया में हो सकता है विटामिन डी डिफिशेंसी या विटामिन डी की एक्शन के लिए टारगेट टिश्यू में अगर रेजिस्टेंस होता है तो हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है हाइपो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स, नेक रेडिएशन से अगर थायरॉयड ग्लैंड्स डैमेज होती है तो पैराथायराइड हार्मोन कम होकर के हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है सूडो हाइपोपैराथैराडिजम में पीटीएच के एक्शन को टारगेट टिश्यूज में रेजिस्टेंस होता है इसीलिए पीटीएच लेवल हाई होते हुए भी हाइपोकैल्शियमिया होता है हाई कैल्सिटोनिन लेवल से भी हाइपो हो सकता है अदर कॉजेज ऑफ हाइपो कुछ इस तरह होते हैं हाइपर में कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ जाता है अल्कोलॉसिस में आयोनिक कैल्शियम कम हो जाता है पैंक्रेटाइटिस में फैट सेपोनिपिकेशन में कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है ड्रैपडोमाइलासिस में हाइपर होकर सीरम कैल्शियम कम हो जाता है ग्राम निगेटिव सेप्सिस और कोविड नाइन्टीन में हाइपोकैल्शियमिया का अननोन है एक्यूट हाइपोकैल्शियमिया के क्लिनिकल फीचर्स न्यूरोमस्कुलर न्यूरोनल और कार्डियोवस्कुलर होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हाइपर एक्टिव होने से नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन मसल क्रैम्स ब्रॉन्कोसपाजम से विजिंग एसोफेजल स्पाजम से डिसफीजिया और लैरिंग से वॉइस चेंजेस हो सकते हैं न्यूरोनल सिम्टम्स इरिटेबिलिटी, फटीक सीजर्स और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स में सिंकोप हार्ट फेलियर, अनजाइना हो सकता है क्रोनिक हाइपो के सिम्टम्स होते हैं कोर्सियर ब्रिटल नेल्स ड्राई स्किन क्रोनिक प्राइटस पुअर डेंटिशन एंड कैटरेक्ट अदर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज की तरह हाइपो में भी अंडरलाइन कॉज पता करने के लिए हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है इनिशियल वर्कअप में सीरम कैल्शियम टोटल एंड आयोनिक सीरम प्रोटीन स्पेशली एलब्यूमिन सीरम पी लेवल एंड सीरम विटामिन डी लेवल करने चाहिए इसी जी में प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल दिखाई दे सकता है हाइपो की ट्रीटमेंट सीवियरिटी ड्यूरेशन और अंडरलाइन डिजीज पे डिपेंड करती है एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया में अगर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं जैसे कि टिंगलिंग पैरेस्थिशिया एट्सेट्रा तो पेशेंट का अंडरलाइन कॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के लिए वर्कअप करना चाहिए और वन टू थ्री ग्राम पर डे के डोज में ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू करने चाहिए एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया में अगर सिम्टम्स सीवियर हो तो आई कैल्शियम करेक्शन देना चाहिए ये करेक्शन हंड्रेड टू थ्री मिलीग्राम ऑफ इलिमेंटल कैल्शियम इन हंड्रेड एम एल डेक्सट्रोज फाइव परसेंट में ओवर फाइव टू टेन मिनट्स देना चाहिए इससे सिर्म आयोनिक कैल्शियम लेवल 0.5 से 1.5 पॉइंट मिलीमोल पर लीटर से बढ़ सकती है आईवी कैल्शियम फॉर्मुलेशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट में 90 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम पर 10 एम होता है वही कैल्शियम क्लोराइड में एलिमेंटल कैल्शियम 272 मिलीग्राम पर 10 एम होता है आईवी करेक्शन के बाद पेशेंट को ओरल कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स शुरू करने चाहिए और साथ में हाइपो के अंडरलाइन कॉज का वर्कअप भी करना चाहिए क्रोनिक हाइपो की ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज पे डिपेंड करती है इन केसेस में अंडरलाइन कॉज यूजुअली हाइपोपैराथरिज्म होता है ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है थाइसाइड डायुरेटिक्स डाय। डाय। का हाइपर इफेक्ट होता है इसीलिए ट्रीटमेंट में ऐड किए जा सकते हैं पीटीएच डिफिशियंसी में विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन इम्पेयर्ड होता है इसीलिए विटामिन डी एक्टिव फॉर्म मतलब कि 1,25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के फॉर्म में देना चाहिए एक्टिव फॉर्म को कैल्सी ट्रायल भी बोला जाता है इन सब ट्रीटमेंट को अगर रिस्पॉन्स ना हो तो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन पी भी यूज कर सकते हैं क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट के गोल कुछ इस तरह होते हैं सिम्टम से रिलीफ सीरम कैल्शियम लेवल को लोअर नॉर्मल रेंज मतलब कि 8 टू 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच मेंटेन रखना और को अवॉइड करना इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी, भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग